हल्का असेंबली मुनुगुड़ के जमीनी इंतखाब से कबल तेलंगाना राष्ट्र समिति को उस वक्त एक धक्का लगा जब साबिक रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ हफ्ते को पार्टी से मुस्तफी हो गए। वही हल्के से पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन टीआरएस ने के प्रभाकर रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। नरसैया गौड़ ने चीफ मिनिस्टर व टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव को अपना मकतूबे इस्तीफा रवाना कर दिया और कहा कि वो पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से भी मुस्तफी हो रहे हैं। हल्के लोकसभा भुनगी से नरसैया गौड़ ने 2014 के इंतखाबात में टीआरएस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, तहम 2019 में उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हाथों शिकस्त हुई। नरसैया गौड़ इम्कान है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अपने चंद हामियों के साथ वो जुमे को नई दिल्ली रवाना हो गए। जाफरानी जमात में उनकी शमूलियत के ताल्लुक से सियासी हलकों में खयास आराइयां की जा रही हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने समझा जाता है कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार और तेलंगाना में पार्टी के इंचार्ज तरुण चुग से भी मुलाकात की है। मालूम हुआ है कि वो बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए उनसे पार्टी में शमूलियत की अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे। ताहम तरुण चुग ने कहा कि नरसैया गौड़ की बीजेपी में शमूलियत के बारे में उन्हें कोई इतला नहीं मिली।